हे hey दोस्तों, कल जब मैं अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि ये तो पहले भी हो चुका है। पिछली बार भी मेरा दोस्त वही बैठा था और मैं जो अभी बोल रहा हूँ वो मैं पिछली बार भी बोल रहा था। कुछ सेकंड तक मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर जो जो हो रहा है वो मेरे साथ सब कुछ पहले हो चुका है, लेकिन कुछ देर बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया और मुझे ऐसा लगा, अरे नहीं, ये तो मैं पहली बार कर रहा हूँ। तो मैंने ये सोचा, उस चंद पलों में मेरे साथ क्या हुआ और क्या ये सिर्फ मेरे साथ ही होता है, क्योंकि यह बहुत बार मेरे साथ हो चुका है। तो आज इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। सो वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। लेट्स बिगिन। एक सर्वे के मुताबिक दुनिया के 70% से भी ज्यादा लोगों को ऐसा लगता है जिसमें कुछ पलों के लिए उन्हें बिल्कुल ऐसा लगता है जो कुछ भी उस पल हो रहा है वो उनके साथ पहले भी हो चुका है। 7 से 10 साल के उम्र वालों, मतलब छोटे बच्चों में ये अनुभव नहीं होता है, लेकिन 15 से 25 सालों के उम्र वालों में ये सबसे ज्यादा महसूस होता है। मनोवैज्ञानिकों का ये मानना है कि 15 से 25 साल के बीच इंसानों का अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड ज्यादा एक्टिव होता है। इस एक्सपीरियंस या एहसास को डेजावू का नाम दिया गया है। डेजावू एक फ्रेंच शब्द है जिसका मतलब है पहले से देखा हुआ। ये क्यों होता है या फिर क्या वजह है डेजावू के एहसास होने की? कुछ लोगों का ये मानना है कि डेजावू हमारे पिछले जन्म की यादें होती जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर अचानक आ जाती है और हमारे साथ घटे जाने वाले घटनाओं के साथ जोड़कर हमें ऐसा एहसास दिलाती है कि ये घटना हमारे साथ पहले भी हो चुकी है। जो लोग ईश्वर या ऐसे ही कुछ परालौकिक बातों में विश्वास करते हैं तो वो लोग ऐसा मानते हैं कि ये ईश्वर ने भेजे हैं, जिससे वो अपने भक्तों को भविष्य में होने वाली घटनाओं से सचेत करते हैं। अगर मैं आसान भाषा में समझाऊं तो मनोवैज्ञानिक का ये मानना है कि हमारे दिमाग के जो इस हिस्से में हमारे सारे यादें स्टोर होते हैं और एक दूसरा हिस्सा जो हमें वो यादें याद दिलाते हैं, जब दो अलग हिस्से एक साथ कोलाइड हो जाते हैं तभी ये डेजावू दिखता है। कुछ लोग इसे पैरेलल यूनिवर्स के कॉन्सेप्ट से जोड़ते हैं। वो बोलते हैं कि तुम्हारे साथ ये पहले भी हो चुका है लेकिन दूसरे यूनिवर्स में। जो लोग पैरेलल यूनिवर्स के कॉन्सेप्ट को नहीं जानते उन लोगों के लिए मैं बता देता हूँ कि कुछ लोग मानते हैं कि हमारे यूनिवर्स के तरह बहुत सारे और भी यूनिवर्स होते हैं जिन्हें हम पैरेलल यूनिवर्स कहते हैं, और उन यूनिवर्स में हमारी तरह सूरज, धरती और आकाशगंगा सभी है। इन यूनिवर्स के अंदर बहुत पतली एक रेखा होती है जिसके अंदर कभी भी हम आ जा सकते हैं हमारे बिना जाने ही, और जो घटना हमारे इस धरती में पहले हो चुकी है वो अब जब दूसरी धरती में फिर से होती है तो हमें डेजावू का एहसास होता है। ऐसे ही बहुत सारी थ्योरीज है जो डेजावू का समझने के लिए कोशिश कर रही है, लेकिन साइंटिस्ट को पूरी तरह से अभी भी नहीं समझ में आया है और उनके लिए ये समझना थोड़ा मुश्किल है। आपके मन में एक सवाल तो जरूर उठा होगा कि आपके साथ ये होना क्या सही है? अगर ये आपके साथ बहुत कम होता है, जैसे एक साल में 3 या 4 बार, तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। इसका मतलब आपका दिमाग फिट यानी तंदुरुस्त है। लेकिन अगर ये आपके साथ एक महीने में 10 से 12 बार होता है और ये बहुत दिनों से चला आ रहा है तो आपको जल्दी ही डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह आपके दिमाग का कमजोर होना भी हो सकता है। आप में से कितने लोगों ने डेजावू एक्सपीरियंस किया है कमेंट में जरूर बताना, और आप क्या पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी को मानते हो ये भी कमेंट में जरूर लिखना। अगर डेजावू आपने एक्सपीरियंस एक बार भी किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी अमेज़।